खासियत की है ये बारे तुम दसा कि रेलवे स्टेशन के उपर लगातार ट्रेना जी आना ट्रेना हजारों के हिसाब से जी सवारी है सफर करती है। कहा जाता है कि कारोबार तो सारे करते हैं पर उस कारोबार के कुछ हिस्सा सेवा वास्ते कटना जरा कि बहुत जरूरी समझना चाहिए तो बिल्कुल ये चीजा निभा दिखाई दे रहा है। फ्री सेवा कर दो कि सोच आई है कि भावना नहीं पहले से मतलब किसी ने दूध दिया नहीं थे बच्चे के उसका तरस आ गया मैं देना शुरू कर दिया। लगातार लोग समाज सेवा तो करते हैं चंगे कारोबार होना वालों की जाती है पर छोटा जहा कारोबार है किन्नी की कमाई है मेरा अगे नहीं पीछे सर जी कमा तो बच्चे के लिए मेरा तो आगे पीछे कोई नहीं कोई परेशानी भी कोई आ जाता है उसका मैं हेल्प कर क्या कि क्या लगता है कि सेवा भाव करके क्या महसूस होता है ऊपर ऊपर जाकर अच्छी मिले कर्तव्य अगर सही होगा तो सब कुछ ऊपर दिखा जाएगा। शंभू जी वालों कहा जाता है कि मेरा परिवार नहीं है कोई ना मैं शादीशुदा ना मेरे बच्चे ते जिहड़े जिन्हां वास्ते मैं कमावां किहदे वास्ते कमावां सो बिल्कुल समाज सेवा करदे ने उहनां बच्चां दे वास्ते मुफ्त दे विच जिहड़े कि दुध जिहड़ा कि प्रोवाइड करांदे ने क्योंकि आ जांदे आ कोई गरीब बच्चा जी उहनां नूं दुध दी हैल्प करदे आ कई वार बच्चां कोल पैसे नहीं हुंदे तां वी दुध दी उहनां नूं हैल्प करदे आ जी दुध पिआउंदे आ जिवें वी लॉकडाउन तों ज्यादा इहनां ने उह कीता होया स्टार्ट रोजाना स्पोक्समैन देख रहे हो तो मैं हाँ पटियाले तो तरन ठुकराल अज पटियाला दे रेलवे स्टेशन की गल करांगे। पटियाला दे रेलवे स्टेशन लगातार जिहड़ी कि भीड़ भाड़ दा तुसीं इलाका देखिया होना कि इत्थे जिवें ही जिहड़ी कि कुछ ट्रेना आउंदियां ते लगातार लोकां दी भीड़ जिहड़ी आ उरे उमड़दी रहिंदी आ। उस भीड़ दे विच जिहड़ा कि आ उरे इक दुकानदार आ शंभू नाम दा तस्वीर तुहानूं दिखा देना चाहुंदे आ कि जिहड़ी इक चाह दी दुकान उरे चलाउंदा है खासियत की है इहदे बारे तुहानूं दस्सांगे कि रेलवे स्टेशन के उपर लगातार ट्रेना जिहड़ियां कि आउंदियां जांदियां रहिंदियां ते उहनां ट्रेना दे विच हजारों के हिसाब से जी सवारी है वह सफर करती है। उन्होंने सवारियों के जड़े कि लोग उतरते हैं तो कई बार की होंगे कि उन्होंने नाल छोटे बच्चे होंगे तो उन्होंने बच्चों के वास्ते दुध लैन की या चाह लैन की समस्या जी की होंगी है। सो इस समय शंभू साढ़े नाल ने कहा जाता कि कारोबार तो सारे करते पर उस कारोबार के कुछ हिस्सा सेवा वास्ते कटना जरा कि बहुत जरूरी समझना चाहिए तो यो बिल्कुल ये चीज़ा निभा दिखाई दे रहा है। गलबात करते हैं शंभू के नाल भी किस तरीके दे नाल इह भावना इहदे विच आई है क्योंकि कारोबार कोई ज्यादा वड्डा नहीं है पर छोटे कारोबार दे विचों भी जिहड़ा कि है हिस्सा है वह लगातार उन्हां गरीब बच्चों के वास्ते कढ़दा रहिंदा है ते उन्हां दे लई जिहड़ा कि दुध का इंतजाम है इहदे वल्लों जिहड़ा कि है वह किया जाता है। गलबात करांगे भाई जी की नाम है अपना शंभू जी। शंभू जी आप कितने देर से यहाँ पे चाय का काम कर रहे हो? मैं 2017 से वैसे तो पहले से कर रहे 2017 से पक्के लोग एक बात तुहाडे बारे एक बड़ी चर्चा दे विच आई है जो भी ट्रेन रुकती है छोटे बच्चों के वास्ते दुध जड़े के फ्री सेवा कर दो कि सोच आई है कि भावना बन नहीं पहले से मतलब किसी ने दुध दिया नहीं थे जी बच्चे के उसका तरस आ गया मैं देना शुरू कर दिया बच्चे के और नोटबंदी था जी उस टाइम भी 500 लेके दूध के लिए परेशान था जी वो मैंने खुला भी किया था जी दूध भी दे दिया पानी भी गर्म करके दे दिया लगातार लोग समाज सेवा करते हैं चंगे कारोबार होना वालों की जाती है पर छोटा जा कारोबार है किन्नी की कमाई है दिन कमाएगा बस मेरा अगे नहीं पीछे सर जी कमा तो बच्चे के लिए करता हूं। मेरा तो आगे पीछे कोई नहीं है। शादी नहीं हुई? नहीं जी शादी नहीं हुई। तो मतलब जो परिवार अपना नहीं है सो लगता है कि बाकी के परिवारों की देख सिस्टर बिहार रहते हैं जी मैं यहाँ अकेले रहता हूँ। तीन सिस्टर है एक मैं हूँ। कितनी उम्र है? मेरा हो गया जी 40-42 साल हो गए। लगता है कि 5-7 साल तो समाज सेवा वो भी कर रहे हो? हाँ जी हाँ जी कर रहा हूँ जी सर कोई परेशानी भी कोई आ जाता है उसका मैं हेल्प कर रहा क्या लगता है कि सेवा भाव करके क्या महसूस क्या पता ऊपर ऊपर जाकर अच्छी मिले कर्तव्य अगर सही होगा तो सब कुछ ऊपर लिखा जाएगा सर। लगातार कहा जाता भी स्टेशन के उपर ट्रेना रुकदियां ने लोग उतरते ने कहंदे ने स्टेशन वाले जड़े ने बहुत लुटते हैं कहंदे समान अक्सर इत्थे महंगा मिलता बाजार दे नालों ते तुसीं इह सेवा कर रहे हो किदां दिखदे इस काम सर जी? देखिए जो बिना मेडिकल के बंदे हैं वो लुटते हैं जी जिसके पास हर चीज कागज पत्र है वो रेट से ज्यादा पैसा ले नहीं सकते
अब मान लो पानी 15 रुपए का, तो 20 से तो ले ही नहीं सकते किसी कीमत में। जिसके पास मेडिकल जो रफ्तारा चल रहा हो तो 25 के भी 50 का खोल लेगा, मेरा 40 भी रेंट है जी, हम 40 से ज्यादा ले नहीं सकते। ट्रेन शंभू जी रुकती है तो उसके काफी यात्री होंगे ने, बहुत सारे बच्चे भी जो क्यों निकलते हैं, हर एक बच्चे होंगे तो कितना का दूध लग जाता रोज? शनिवार के थोड़ा ज्यादा लगते हैं जी, जैसे कल शनिवार है तो कभी आधा किलो, किसी को पता तो होते नहीं, जैसे 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 पता चल गया वो सीधे शनिवार को तो वोटिंग में टेगा काली मंदिर से माता टेक सीधे मेरे पास आना, किसी को पूछने का लोड़े नहीं थी। उन दिन तो 4 किलो 3 किलो लग जाता, बाकी दिन कभी आधा किलो कभी 3 पहिया, झूठ बोलने सकते हो सच्चे कभी लगता भी नहीं जी कोई आता है। हाँ जी मैनेज होया था कमाई वैसे इतना दूर, क्योंकि चाय का काम है। हाँ जी मैं तो है जी, मैं किसके लिए कमाऊँ जी, मैं तो सिर्फ ये सोच रहा दिमाग में जितना बच्चे को मैं उसको मुक्त। तो बिल्कुल जी एक भावना है जेडे शंभू जी दिल विच लैके चले ने, क्योंकि पटियाला दे विच रेलवे स्टेशन दे उपर लोग अक्सर वड्डी गिणती दे विच शनिवार नूं पहुंचदे ने, क्योंकि इत्थे काली माता दा एक प्राचीन मंदिर भी है जिहदे दर्शन करने पहुंचदे ने। सो बच्चे नाल हुंदे आ तां शंभू जी वल्लों कहा जांदा कि मेरा परिवार नहीं है कोई, ना मैं शादीशुदा ना मेरे बच्चे, ते जिहड़े जिन्हां वास्ते मैं कमावां किहदे वास्ते कमावां? सो बिल्कुल समाज सेवा करदे ने उहनां बच्चां दे वास्ते मुफ्त दे विच जिहड़े कि दुध जिहड़ा कि प्रोवाइड करांदे ने, क्योंकि बच्चां दे वास्ते अक्सर जिहड़ा कि है मां प्यो नूं परेशान होना पैंदा। ते एक गल अक्सर सुनी होनी है कि लगातार स्टेशन दे उपर जदों रुकदी है ट्रेन तां किसे ना किसे चीज दे वास्ते बंदे भजदे दिखाई दिंदे ने, सो इत्थे जिहड़ी कि कहा जांदा वी महंगाई भी अक्सर दिखाई दिंदी है, पर शंभू वल्लों कहिंदा वी लगातार जिहड़े कि असीं छोटी जी कमाई दे विचों वी अपनी जिहड़ी कि उह समाज सेवा दे रूप विच करदे आ। कुछ लोग इत्थे मौजूद ने जिहड़े अक्सर चाह पीण आउंदे होणगे, उहनां दे नाल वी गल्लबात करदे आ जिहड़े लगातार इत्थे चाह पीण आउंदे। भाजी की नाम है आपणा? सत श्री अकाल जी, कमलजीत सिंह जी। कमलजीत जी किन्नी देर तों आउंदे हो चाह पीण? ਸਾਨੂੰ 2-1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਵੰਡਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਾਰੀ ਗੱਲ? ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਲਵਾਰਸ ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਬੱਚਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਟਾਰਟ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੁਕਦੇ ਆ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੁੱਧ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਮਾਨ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਕੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਲਟਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਹਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਬੱਚਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਗੱਲ। ਹੋਰ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਮਤਲਬ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਇੱਕ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਚੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮਾਈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੈ ਦੁੱਧ ਕੱਢਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਭੱਜਦੇ ਭੱਜਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ੰਭੂ ਜੀ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੇ ਜਨਤਾ ਉਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੇ ਉਸ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰਦੇ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ, ਸ਼ੰਭੂ ਜੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਆਇਆ ਕਿ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਵੀ ਹਰ ਵਾਰੀ ਉਤਰਨਾ ਤੇ ਦੁੱਧ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੀਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੇ ਉਹ ਦਾਦਾ ਰਾਤੇ ਤੋਂ ਜੀਆਰਪੀ ਵਾਲੇ ਸੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਉਹ ਸਭ ਕੋ ਪਤਾ ਰੱਖੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਧ ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਕੋ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਏਸੀ ਮੈਂ ਏਸੀ ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਭ ਆਤੇ ਲੈਣੇ ਗਏ ਜੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਬੱਚੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਦੇਖ ਕੇ ਕਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਕੂਨ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਬੱਚੇ ਉਡੀਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਦੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਆਏ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੁਕੀਏ ਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਭੱਜਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੇ ਤੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆ ਦੁੱਧ ਹੈ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘੱਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਚਾਹ ਪਕੌੜੇ ਦੇ ਬ੍ਰੈਡ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਕਿਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੈ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਰੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਰਿਆਦਲੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰਨ ਠੁਕਰਾਲ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ, ਪਟਿਆਲਾ।